खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां अभी चंद दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जहां मथुरा रेलवे स्टेशन से एक बच्चे की चोरी का मामला सामने आया था जो सीसीटीवी में कैद हो गया था। आपको बता दें कि राधा नाम की महिला जो परखम थाना क्षेत्र के फरह जिला मथुरा द्वारा अपने 7 माह के बच्चे संजय के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रही थी, उसी समय करीब 5 बजे बच्चे का किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद वीडियो सामने आया और पुलिस ने कई टीम गठित करते हुए बच्चे की तलाश में जुट गई, जिसके बाद आज मथुरा पुलिस को सफलता हाथ लगी। इस सफलता में भाजपा की पार्षद भी बच्चा चोर गिरोह की सदस्य निकली, जिसके बाद मथुरा जीआरपी पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया, जिसमें भाजपा की पार्षद सहित 2 डॉक्टर और अन्य लोग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर मानव तस्करी के अपराध में जेल भेज दिया गया। वहीं बरामद बच्चे को सकुशल बरामद कर उसकी मां के हवाले कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आज हाथरस निवासी डॉक्टर दंपत्ति के सह पर चलाए जा रहे मानव तस्करी और बच्चा चोर गिरोह के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना दक्षिण फिरोजाबाद से बच्चे की सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं बच्चा चोर गिरोह के विनीता अग्रवाल पार्षद को बच्चा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में SP रेलवे मोहम्मद मुश्ताक द्वारा बच्चा चोर गिरोह के बारे में जानकारी दी गई। बताए गए इस गिरोह में जो भी अन्य लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।